उत्तराखंड राज्य बने 17 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन राज्य आज भी बेबसी का रोना रो रहा है। इन 17 सालों में अगर राज्य में तस्वीर बदली है तो मंत्री और विधायकों की। चुनाव के वक्त तो नेता बड़े बड़े वायदे करते हैं, लेकिन चुनाव बीत जाने के बाद वो सारे वादे हवा हवाई हो जाते हैं। विकास में पिछड़ते जा रहे पहाड़ी इलाकों में बदहाली के वो हालात हैं कि लोगों को रोजाना अपनी जिंदगी को जोखिम में डालना पड़ता है। हम बात कर रहे हैं पौड़ी जिले के झर्त की, जहां पर दर्जनों गांव के लोग आजादी के 70 साल बाद भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। साल 2010 में मंदाल नदी में बाढ़ आने से नदी पर बने 5 झूला पुल बह गए, जिसकी वजह से इन गांव का संपर्क रथुवाड़ा से टूट गया। पुल बह जाने की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ रहने वाले छात्र छात्राओं को है। यहाँ पर नदी पार करने में बहुत परेशानी होती है, स्कूल नहीं जा पाते हैं हम। जब बहुत अधिक नदी आती है तो हम स्कूल नहीं जाते, आगे से वापस चले जाते हैं। वहीं यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि सरकार का कोई नुमाइंदा यहाँ देखने तक नहीं आता। कई बार लिखित शिकायत भी की गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। जब कोई गांव में बीमार होता है तो उसे अस्पताल तक पहुंचाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। कई लोग गांव में इलाज नहीं होने के कारण मौत के मुंह में चले जाते हैं। इसका कुछ नहीं है, मतलब पुल के लिए आपत्ति कुछ नहीं है, सिर्फ रोड की आपत्ति है। बस रोड देने के लिए मना करें लोग, इस चक्कर में पुल नहीं बन पा रहा। वहीं ग्रामीणों का कहना है कि एक ओर की दीवार सरकारी जमीन पर बनी है तो दूसरी ओर पुल के लिए जमीन दे दी गई। इस जमीन की रजिस्ट्री भी विभाग के नाम से की गई है, लेकिन अब तक पुल का निर्माण नहीं।